दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि ऐसी अफवाहें हैं कि कांग्रेस का बीजेपी के साथ गुप्त समझौता है और उनकी आम आदमी पार्टी इस नापाक गठबंधन से लड़ने को तैयार है। केजरीवाल ने ये टिप्पणियां कांग्रेस की इस घोषणा के जवाब में की है कि यह आगामी लोकसभा चुनावों में दिल्ली में आपके साथ गठबंधन नहीं करेगी। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ऐसे समय जब पूरा देश मोदी शाह को हराना चाहता है, कांग्रेस भाजपा विरोधी वोटों को बांटकर भाजपा की मदद कर रही है। ऐसी अफवाह है कि कांग्रेस का भाजपा के साथ गुप्त समझौता है। उन्होंने कहा, दिल्ली कांग्रेस भाजपा गठबंधन के खिलाफ लड़ने को तैयार है। जनता इस नापाक गठबंधन को हराएगी। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख शीला दीक्षित ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए आपके साथ गठबंधन नहीं करेगी। शीला ने कहा कि सर्वसम्मति से निर्णय किया गया है कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री शीला ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के बाद ये घोषणा की है। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना को लेकर लंबे समय से चली आ रही अटकलों पर उस वक्त विराम लग गया जब कांग्रेस ने फैसला किया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शीला दीक्षित और राज्य इकाई के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में शामिल तकरीबन सभी नेताओं ने आपके साथ तालमेल नहीं करने की राय जाहिर की। खबरों की माने तो बैठक में गांधी ने कहा कि पार्टी बहुमत की राय के साथ जाएगी, यानी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। बाद में शीला दीक्षित ने कहा कि पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और नेताओं ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया है।